अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का शुक्र है, काफ़ी बेहतर है मेरी तबीयत, अल्लाह का एहसान है। बुखार तो मेरे ख्याल से उतर गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन गला भी ख़राब है तो वो भी सही हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये मेरी आवाज़ से भी आप सबको लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ अभी तक ठीक नहीं है। तो मसरूफियत जो भी होगी मेरी आज की, इंशाल्लाह आप सबसे शेयर करूँगी। और जो है अभी इन लोगों को उठाते हैं हम अब्दुल वहाब को, ताकि ये दूध वगैरह लेके आए, नाश्ता बनाना है। अब्दुल बाप जानी, उठ जाओ। तो इसी के साथ हम अपना काम शुरू करते हैं। रहम करने वाला है मेरा प्यारा रब। रोटी बना रहे हैं हम, 2 दिन बाद रोटी पक रही है। नहीं, रात को भी बनाई थी मैंने शायद, हाँ बना के दी थी हिम्मत करके। बाजार की रोटी नहीं मंगवाई थी मैंने, बना के दी थी। मैंने कहा मैं बना देती हूँ, कोई मसला नहीं है, हिम्मत कर दी। वो कहते ना, हिम्मत मर्दा मदद है खुदा, मदद खुदा कर देता है हिम्मत रखे बंदा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तबीयत तो जैसी तैसी चल रही है। मेरा भाई लगा रहा है वॉश बेसन, मेरा देवर है, भाई है मेरा, बड़ा भाई है। मेरे मियाँ से छोटा है पर मैं इसको अपना भाई मानती हूँ बड़ा, तो इसलिए मेरा भाई है। बिस्मिल्लाह। तो ये बना रहा है बेचारा, ये लगाएगा, इस वॉश बेसन लगा के देगा देगा हमें। और ये चाय की तैयारी कर रहे हैं मियाँ जी, चाय बनाएंगे ये। ये बना रहे हैं चाय। ये लो लाउन, क्या थी से बिरात राधा पे स्टील वाले केल निशान मार सा। इतनी सही लेने बुनादा बशीर सलाह भी दे चा है ना, थोड़ा और तो कारगर मैं दिया के सही है, थी सही है। ये बशीर भाई ना लगा रहे वॉश बेसन, सही है मेरे ख्याल दा, थी सही है ना। हम बेसन लगवा रहे हैं, हम चाय बना रहे हैं, चाय खा रहे हैं। सुराख निकाल रहा है ना, मैंने सुनी है सुराख निकाल रहा है ना। ये वॉश बेसन की चीजें निकाल रहा है, अभी लगाएगा।
वॉश बेसन लाइन दे पियो बाजी में जादू शोर थी तबे ठीक है मेरा बच्चा या कुछ पूछना हो तो दस सारे में आ गया मां दस निकल के लो पैसा दिखता फिर डर लग दे मेरे घर आ बे तू हर कोई अपना काम लगा हुआ है बाप प्लम्बर का काम कर रहा है वॉश बेसन लगा है बेटा मोबाइल में लगा पड़ा है ये मेरा भतीजा है भाई का बेटा है बशीर भाई का बेटा है ये चाय वापस आ गई जब बाहर नहीं पी के गया ठीक है ये देखे सेटिंग कर रहे हैं भाई हमारे बेसन की बहुत परेशान थे वुजू करने के लिए परेशानी होती थी एक ही मतलब नल है बाहर तो वो सिस्टम सही नहीं है वहां बर्तन धो वहीं हाथ मुंह धो वहीं सब कुछ इसलिए मैंने लोगों से कहा मुझे वॉश बेसन लगवा के दो भाई मुंह हाथ धोने की जगह अलग होनी चाहिए और ये कोना आप देख रहे हैं कितना गंदा हो रहा है ये इसी वजह से हो रहा है ये भी लगा रहे हैं भाई अभी तैयारी कर रहे हैं वैसे मेरे ख्याल से ये तो लगा दिया भाई ने है ना दा ये भी नल लगा रहे भाई हमारा ये पानी की वो कर रहा है पाइपलाइन बना रहा है ओ पियू को चाह रहे हो ओ कपड़ा पिंक वाला आइयो सारा सेटअप कर दिया बशीर भाई ने लेकिन वो पाइप नहीं है जो इसका वो नीचे जाएगा वॉश बेसन में पानी आएगा वो अभी मियाँ जी आधा अधूरा सामान लाएं तो फिर लाएंगे तो फिर लगाएंगे ये बाकी तो भाई ने कर दिया सारा हाँ बशीर भाई हो गया आपका काम हम जाए फेंक दो बेटा वांदे थोड़ी वदे हैं क्या वदे हैं आप भाई हम लोग कोई वांदे थोड़ी वदे हैं फेक सट या पियू को दे दे क्या है पियू को दे दे काम आवे इसमें व्यूअर्स ये बाद में पूरा साफ करके फिर भी दिखाएंगे अभी तो जो लग गया है वही दिखा रहे हैं यहाँ से पाइप का ज्वेट देंगे यहाँ से बशीर भाई लगाएं या मेरा मियाँ लगाए लगाएंगे ये तो फिर इसमें पानी आने लगेगा ये सारा धोना भी है ये हमारे भाई हैं जिन्होंने लगाया है ये मियाँ जी हैं और कमाल करते हो पांडे जी हाँ आप भी कमाल करते हो जी ये हमारे भाई हैं किसी को अगर प्लम्बर का काम करवाना हो ना कसम खुदा की कह के कहती हूँ A1 काम करता है A1 इसके मुकाबले में कोई प्लम्बर नहीं है पता नहीं बेचारे के नसीब को नजर लग गई है क्या है बहुत अच्छा काम करता है बहुत VIP काम करता है वो कहते हैं ना क्या कहते हैं गारंटी के साथ काम करता है ये ऐसा काम करता है बेटा अल्लाह हाफिज जा रहे हो आप अल्लाह हाफिज तो मेरी जैसी तैसी हुई हुई है तबीयत की तो लेकिन अभी मैं ना 2 दिन से खाना नहीं बना रही थी अभी बना रही हूँ चिकन का सालन बना रही हूँ आलू डाल के ना 100 रुपए वाला अभी तो
बस आज से फिर वापस रूटीन पे आ रही हूँ इंशाल्लाह ताला। हिम्मत करके बहुत हो गया यार, बिस्तर में नहीं सोया जाता है घर वापस, इसलिए मैंने कहा आज तो कुछ बनाते हैं। बाजार की कुछ अच्छा भी नहीं लगता है ना खाना, इतना ढंग का नहीं होता है, बिल्कुल नहीं लगता अच्छा। एक तो तबीयत खराब, ऊपर से फिर बाजार का खाना खाना पड़े, मुसीबत हो जाती है। इसलिए मैंने इन लोगों से कहा आज कुछ ऐसा बनाते हैं, शोरबे वाला सालन बनाते हैं। हाँ अभी मैं इसमें घी डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी धोना है मुझे, अभी हो जाएगा जल्दी सारा इंशाल्लाह। सही है जवाहर। मसाले 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 डाल के जब तक मसाला मैं तैयार कर दूंगी, तो चिकन भी अभी छोड़नी है मुझे। अल्लाह तेरा शुक्र है मालिक, तेरा एहसान है मुझे प्यारा रब। मेरा मियाँ ना हर वक्त मुझसे लड़ता रहता था, पीस के मैं डालो ऐसे डालो, आज वैसे ही बना रही हूँ, आज कुछ नहीं पीसा ऐसे ही मतलब बना रही हूँ ताकि इनको अच्छा लगे। दो दिन से बाहर का खाना खा रहे हैं ना भी मेरे बच्चे भी। मैंने चिकन भी डाल दिया उसमें, इसको भून के फिर शोरबे का पानी डाल दूंगी।
रिवर्स में रोटी बना रही हूँ जल्दी जल्दी, तबीयत सही नहीं है। रोटी खाना खा के फिर दवाएं भी खानी है मुझे, डॉक्टर के पास जाना था वो भी नहीं जा पाई हूँ। खांसी ने पागल किया हुआ है और बुखार भी अंदर है, दर पता चल रहा है बॉडी को भी है बुखार अभी भी। बहरहाल अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह साथ देने वाला है। बीमार भी अपना अल्लाह ताला अपने प्यारे को करता है, तो मुझे अल्लाह पे यकीन है कि मेरे लिए इसमें बेहतरी होगी। जब भी मैं बीमार हुई मेरे लिए अच्छा ही होगा, कुछ अल्लाह पाक ने अच्छा ही सोच रखा होगा मेरे लिए। तो फ्रेंड्स अभी वीडियो को एंड करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आने वाली हमारी वीडियो तक के आप तक आराम से पहुंचती रहे। और दूसरी बात ये कि वीडियो को बिना स्किप किए देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें ताकि हमें वॉच टाइम मिले। वॉच टाइम हमें बहुत जल्दी पूरा करना है लेकिन वो हो नहीं पा रहा, तो इसलिए हमारी आप सबसे गुजारिश है, ठीक है। और नमाज पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें, दुआओं में पूरी उम्मत मुसलमान को याद रखा करें। और जो है ना खुसूसन उन सब के लिए दुआ करें जो मतलब यहूदियों के हत्थे चढ़े हुए बेचारे, जैसे फलस्तीन हो गया हमारा, वो उनका अल्लाह ताला उनकी भी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, आज़ाद मुल्क है हमारा, हम यहाँ सुकून से रहते हैं, लेकिन जो मुल्क से बाहर रहते हैं ना लोग किसी और कंट्री में, उनके लिए मुश्किल होती है। तो उनके लिए दुआ किया करें, हम भी करते हैं आप भी क्या करें। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह सबका साथ दे और हमारा भी साथ दे। और सबसे बड़ी बात हम सबका अच्छा सोचेंगे हमारे साथ सब अच्छा ही होगा, कोई अगर हमारे साथ बुरा भी करेगा तो भी हमारे साथ अच्छा होगा, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है जिस जो गड़ा खोदा जाता है ना, जैसे कि मैं हूँ, अगर मैंने किसी के लिए गड़ा खोदा है तो उसमें मैं खुद गिरूंगी, कोई और नहीं गिरेगा। इसलिए इस बात को काबू में रखना चाहिए कि हमारे साथ अल्लाह है, हमें किसी की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ प्यार ही ताकत मेरे अल्लाह की है, तो हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए किसी भी बात की। तो इसीलिए हमें अल्लाह पे भरोसा रख के चलना चाहिए, अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। तो इसी के साथ हम आप सबसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी रखी तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।